केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में मोटर व्हीकल एक्ट को पेश कर दिया है। इस बिल का मकसद रोड एक्सीडेंट से जुड़े कारणों को दूर करना है और सड़क यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई करना है। नए मोटर व्हीकल एक्ट को 1988 के पुराने मोटर एक्ट में संशोधन के लिए लाया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए पुराने बिल में करीब 88 संशोधन किए गए हैं और इसीलिए इसे नया बिल ही माना जा रहा है। पिछली सरकार ने 2014 में सड़क सुरक्षा एवं प्रबंधन विधेयक के जरिए किया था। आपको बता दें कि मौजूदा कानून में क्षतिपूर्ति का फैसला एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूशन करता है, जिससे मृतक और घायल के लिए उसकी उम्र, इनकम, आश्रितों के अनुसार हर्जाना का प्रावधान किया जाता है, जो हजारों रुपए से लेकर लाखों और करोड़ों में जा सकता है। लेकिन राहत के नाम पर मृत्यु की स्थिति में क्षतिपूर्ति की राशि भी अधिकतम 5 लाख रुपए और घायल होने पर 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। बिल में किए गए प्रावधानों के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 2000 रुपए से बढ़ाकर 10000 रुपए करने का फैसला किया है। वहीं किसी आपातकालीन गाड़ी को रास्ता नहीं देने पर पहली बार 10000 रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया है। वहीं मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया है। वहीं बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान भी किया है। फिलहाल बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर जुर्माना सिर्फ 100 रुपए है और साथ ही में रेस ड्राइविंग करने पर जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 5000 रुपए का कर दिया है। वहीं बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया है। वहीं तेज गति से गाड़ी चलाने पर 500 रुपए से बढ़ाकर 5000 कर दिया है। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया है। वहीं मोटर व्हीकल बिल में अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है तो उसके अभिभावक या गाड़ी के मालिक दोषी माना जाएगा। इसके लिए 25000 रुपए का जुर्माना के साथ 3 साल के जेल का प्रावधान है। साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। और हाँ, अब लाइसेंस लेने या गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर अनिवार्य है। अब लाइसेंस की वैधता खत्म होने के बाद 1 साल तक लाइसेंस को रिन्यू यानी कि फिर से बनवाया जा सकेगा। अभी तक यह समय सीमा सिर्फ 1 महीने तक की थी।